हमारे हिसाब से क्योंकि सैटरडे संडे चालू रहना चाहिए था, बाकी मंडे से फ्राइडे तक बंद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, क्योंकि सैटरडे संडे पब्लिक आती है और हम जो दुकानदार है जो इतना बड़ा वैसा है लेके सब जो लोग बैठे हैं, इसलिए सैटरडे संडे को हमारा कुछ काम होता, बाकी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा हमारा। हम तो नाराजगी व्यक्त करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला 120 है। अच्छा, ये वाला 150 है, अलग अलग। अच्छा, अच्छा, वो वाला राधे कृष्णा का क्या है प्राइस? ये वाला 150 का है। 150 में सेल है। ये लेंगे, ये 100 वाला है, ये 100 में ये वाला 150 की रेंज में, ये 150 की रेंज में। तो ये आपको सामने हैंडबैग नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, जो राजस्थान से कलाकारी राजस्थान की है। जिस किसी को ख़रीदना है तो बिल्कुल आके अजंता के उसमें जो शॉपिंग प्लाजा की दुकान है वहाँ आप ख़रीद सकते हैं। इमरान भाई से बात करिए, बहुत अच्छे अच्छे गॉगल है यहाँ। क्या बोलना चाहिए इमरान भाई? जो सैटरडे संडे बंद है, अच्छा चालू है जब तक सैटरडे संडे चालू होना चाहिए। अच्छा, पहले तो मंडे के दिन बंद रहता था। मंडे के दिन बंद रहता था। अच्छा, जब से लॉकडाउन हो रहा है धंधा नहीं पानी है, धंधा बेचारे उधर ही दूसरे काम धंधे देख रहे हैं। अच्छा, अब जो आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। फिर भी भाई हमारे साथ आए हुए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारे जो यहाँ के बच्चे हमारे अजंता के, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दिखाई दे रहे अजंता एलोरा, इस तरीके के बुके मिलेंगे आपको। और भाई से बात करेंगे हम, जो भाई अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब, सामने नजर आ रहा है आपको जो पहाड़ अजंता गुफाओं का पहाड़ है, जो यहाँ से अजंता गुफाएं 4 किलोमीटर है, और आपको आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ा कर देना चाहिए और उसी से गवर्नमेंट बस जो आपको अंदर जाने के लिए दूसरी बस है। इसी तरीके से अच्छा वीडियो शॉपिंग प्लाजा के बारे में, अजंता केव्स के बारे में अपलोड करते रहेंगे हम अजंता न्यूज़ पे। आप लोगों का सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। जो सामने नज़र आ रही है मोटर बाइक की पार्किंग है, और बाइक की पार्किंग के बाजू में एक बच्चों का गार्डन है, आप बच्चे खेल सकते हैं यहाँ के, और बच्चों का भी इंजॉय। अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे, आपको सामने पार्किंग नज़र आ रही है शॉपिंग प्लाजा की, जो गाड़ी खड़ी रहती है आपकी गाड़ी खड़े रहेंगे पार्किंग। हमारे आबिद भाई जा रहे सामने से नज़र आ रहे, तो इसी तरीके से सभी से इमरान भाई से उनसे सबसे बात करेंगे, दुकानों वाले से, शॉपिंग प्लाजा के जितनी भी दुकानें वाले उनसे हम मालूम करेंगे। अजंता एलोरा बुक है सामने, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप करेंगे हम, जो भाई क्या क्या है आपके पास माल सेल करने के लिए, क्या क्या है? ये ना इयररिंग सेल है, बताओ ये क्या बोलते हैं इसको, टॉप से है ना? टॉप से, इसको स्टोन के टॉप से है ये। तो अच्छे का ये 30, 40, 50। तो देखिए आप प्राइस बोल रहे भाई अपने। हाँ। और क्या क्या, कौन से कलर डिजाइन है इसमें? ये नेकलेस है। ये क्या प्राइस है इसकी? ये 100 का है। 100 का सेट पूरा जो है, तो उन्होंने 7 से 4 का टाइम रखे हैं। उसने टूरिस्ट को इतना घूमने के लिए नहीं मिलता, जो दुकानदार है उनका इतना कोई कारोबार नहीं हो रहा सही तरह से। अच्छा, सब लोग परेशान है, सब एकदम मंदी में है, सब काम किसी की बोनी होती किसी का नहीं होती। और यहाँ पर जो है तो मतलब टूरिस्ट लोकली आ रही है, मतलब अपने औरंगाबाद ज़िले की, जलगांव ज़िले की भी टूरिस्ट बहुत कम हो गई, बुलान ज़िले की। मंडे चालू होना चाहिए। अच्छा, पहले तो मंडे के दिन बंद रहता था। हमेशा मंडे के दिन बंद रहता था। अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ और फिर डबल शॉपिंग प्लाजा चालू हुआ ना, अजंता के चालू हुआ। अच्छा, सैटरडे संडे बंद है। अभी हमने देखे कुछ दुकानें चालू है, कुछ दुकानें बंद है, इनको बोनिया भी नहीं हो रहा, धंधा नहीं पानी है, धंधा बेचारे उधर ही दूसरे काम धंधे देख रहे हैं। अच्छा, अब जो आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। फिर भी अभी ये कार्य आज भी अच्छी है अल्लाह का। अच्छी अच्छी कैप मिलेंगे यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए, बहुत ही अच्छा अच्छा गॉगल है, देखिए बताइए गॉगल। अरे गॉगल से आपको अच्छी अच्छी शॉप में अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं यहाँ घूमने के लिए। आप आए तो अच्छी अच्छी कैप मिलेंगी यहाँ, जो हमारे इमरान भाई की दुकान है। ये हमारे इमरान भाई जो स्टार्ट होता है, जब ये इमरान भाई की दुकान लगती है, शॉप नंबर 14 है। और ये जो है तो नज़दीक की टूरिस्ट आ रही है, अभी दूर की टूरिस्ट को भी ज़्यादा पता नहीं है अजंता केव्स ओपन है बोल के। और अभी सब ओपन हो गया है, सैटरडे संडे बंद है ओनली, मंडे को भी चालू है अजंता। ये हेड है इधर में, तो जेंट्स के लिए या लेडीज के लिए? ये लेडीज के लिए है, और इसकी रेट एकदम रिजनेबल में 50 रुपीज में है। अच्छा, उसमें बहुत सारा क्वालिटी आता है। ये हमारा अतिक दादा, ये इधर देखिए अच्छी अच्छी जो सोनू भाई हमारे बूढ़े चचा की दुकान है,
तो माशाल्लाह ये हमारे बिलाल भाई की दुकान है, शॉपिंग प्लाजा में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं और सभी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। अजंता अजंता केव्स ओपन हो चुका है। क्या बिलाल भाई क्या बोलिए, दुकान कैसा है धंधा? अच्छा टूरिस्ट ही नहीं आ रहा है। अच्छा टूरिस्ट के लिए क्या बोलना चाहिए तुम, कौन से दिन बंद रहेंगे? नए नियम आए अभी कोरोना की वजह से, अभी लॉकडाउन है इसलिए सैटरडे संडे बंद रह रहा है और मंडे से खुल गया है। अभी टूरिस्ट घूमने के लिए आती है, उनको कुछ किसी को पता नहीं है इसके बारे में, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी कार्य आज भी अच्छी है, अल्लाह करे बहुत सी दुकानें बंद है, सैटरडे संडे चालू होना बस, बाकी और दूसरा कोई मसला नहीं है। तो आपको शॉपिंग इमरान भाई से बात करिए, बहुत अच्छे अच्छे गॉगल है यहाँ, क्या बोलना चाहिए इमरान भाई? जो सैटरडे संडे बंद है, अच्छा चालू है जब तक सैटरडे संडे चालू होना चाहिए। अच्छा पहले तो मंडे के दिन बंद रहता था, हमेशा मंडे के दिन बंद रहता था। अच्छा जब से लॉकडाउन हुआ और फिर डबल शॉपिंग प्लाजा चालू हुआ ना, जब तक चालू हुआ, अच्छा सैटरडे संडे बंद है। अभी हमने देखे कुछ दुकानें चालू है, कुछ दुकानें बंद है, धंधा नहीं पानी है, दूसरे काम धंधे देख रहे हैं। अच्छा अभी जो आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अभी कार्य आज भी अच्छी है, अल्लाह करे दुकानें बंद है, सैटरडे संडे चालू होना बस, बाकी और दूसरा कोई मसला नहीं है। ऐसी बैठे अभी है ना, सभी दुकाने वाले जो परेशान है, जो टूरिस्ट के लिए तो बोलना ये है क्या सैटरडे संडे यहाँ पर कलेक्टर का आदेश ये बंद कर दिया। अच्छा जो कि मंडे को ये बंद रहता है अजंता केव्स। अच्छा और मंडे से लेके तो फ्राइडे तक जो है तो उन्होंने 7 से 4 का टाइम रखे हैं, उसने टूरिस्ट को इतना घूमने के लिए नहीं मिलता, जो दुकानदार है उनका इतना कोई कारोबार नहीं हो रहा सही तरह से। अच्छा सब लोग परेशान है, सब एकदम मंदी में है सब काम, किसी की बोनी होती किसी का नहीं होती, और यहाँ पर जो है तो मतलब टूरिस्ट लोकली आ रही है, मतलब अपने औरंगाबाद ज़िले की, जलगांव ज़िले की भी टूरिस्ट बहुत कम हो गई, बुलान ज़िले की, बाकी यूरोप के लोग जो है, फिर जो एनआरआ है यूरोप के लोग है वो तो बहुत मुश्किल है, आ नहीं रहे। अच्छा। और हम लोग जो है तो सब ऐसे बैठे हैं, कोई मेंटेनेंस चालू है सिर्फ, हमारा लाइट बिल चालू है, दुकान का भाड़ा चालू है, मतलब हमारी मजदूरी ऐसी वेच जा रही है, मतलब हमारा जो मेंटेनेंस दुकान में जो मेंटेनेंस करे है उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको। माशाल्लाह आपकी बिल्कुल सही बताना, क्या मतलब जब हमारा काम नहीं चढ़ा तो हमारा धंधे में दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। अच्छा बैठ के कोई फायदा नहीं है, मतलब यूं ही हमारे मतलब 7 बजे आ रहे हैं, 4 बजे तक बैठ रहे हैं, फिर 3:30 को गेट बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे जो है एंट्री गेट, जो कार में जो कार अंदर पार होती है। अच्छा तो गेट 3:30 को बंद करते हैं, फिर बाद में जो शाम शाम में जो टूरिस्ट आती है घूमने के लिए वो भी अंदर एंट्री नहीं देते, एंट्री इसको एग्जिट नहीं करते, बाद में एग्जिट कर देते हैं, फिर अंदर अजंता केव्स में 3:30 बजे जो है तो वो भी टिकट ऑफिस बंद कर देते हैं, फिर वहाँ से जब पब्लिक निकालते हैं बाय अपने शटल बस से, शटल बस उनको लाकर प्लाजा में छोड़ती है, फिर टूरिस्ट को मतलब जाने की देर होती है, मतलब बोलते हैं कि 4 बज गए हैं फिर घर जाना है, फिर या पुलिस वाले फाइन दे देंगे या मार्केट वाले फाइन दे देंगे, वो डरते हैं, मतलब इसके लिए यहाँ पर किसी का कारोबार नहीं हो रहा है टाइम भी रॉन्ग। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनंती है, क्या सैटरडे संडे जो अजंता केव्स जो बंद कर दिया उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं सब दुकानदार की ओर से, क्या वो चालू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है तो 78 दुकान में से सिर्फ कुछ ही 15-10 दुकान चालू है, सब लोग बाकी घर पर ही बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर यहाँ पर, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्या सैटरडे संडे ओपन कर दिया जाए। तो वो थोड़ा सा रॉन्ग है हमारे हिसाब से, क्योंकि सैटरडे संडे चालू रहना चाहिए था, बाकी मंडे से फ्राइडे तक बंद रहता कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम। अच्छा क्योंकि सैटरडे संडे पब्लिक आती है और हम जो दुकानदार है जो इतना बड़ा वैसा है लेके सब जो लोग बैठे हैं, इसलिए सैटरडे संडे को हमारा कुछ काम होता, बाकी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा हमारा, हम तो नाराजगी व्यक्त करते हैं। मेरा नाम आयाज गुलाब शेख है और यहाँ पे जो मतलब शनिचर इतवार जो चालू था कंटिन्यू उस टाइप में चालू करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं हम, क्योंकि इधर में जो अजंता लेने में जो मेन दिन है शनिचर इतवार का है, और एक्चुअली कैसा इधर में जो बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको पता नहीं कि शनिचर इतवार बंद है और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर में, और बाकी जो है तो अजंता लेने में जो खड़गापुर लेनापुर सावरगेड़ा अजंता ये जो 2-4-5 के गाँव लोग हैं मजदूरी यहाँ पे उनका सब कुछ है, मतलब रोजी रोटी यही उनकी जो है, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं हम एमपीडीसी महामंडल जो भी है जो भी डिपार्टमेंट है भी डिपार्टमेंट एमपीडीसी जो भी है मतलब जिसके अंडर में 2-3 डिपार्टमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं क्या शनिचर इतवार ये ओपन किया जाए। हमारे फिरोज भाई की दुकान से बहुत बढ़िया चपाती और खाना मिले हैं। ये
फ्लैट घूम रहे हैं। और एक ही मिनट तो होगा तो एक मिनट देख के जाओ, नू मत ऐसा जी। कौन सा वाला है? इधर तो लैंप्स जो आपको सामने नज़र आ रहे, आप ले जाके आपके घर के सामने लाइट लगा सकते हैं आप, जो अलग अलग डिजाइन के। तो ये आपको सामने हैंडबैग नज़र आ रहे माशाल्लाह, जो राजस्थान से, कलाकारी राजस्थान की है। जिस किसी को ख़रीदना है तो बिल्कुल आके अजंता के उस में जो शॉपिंग प्लाजा की दुकान है वहाँ आप ख़रीद सकते हैं। तो माले सामने आपको नज़र है लैंप, जो लाइट लगा सकते हैं आप आपके घर में। ले बहुत से डिजाइन है उसमें। क्या प्राइस है भाई इसका? तो बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम आपको यहाँ ख़रीदने के लिए, बिल्कुल आप आके शॉपिंग प्लाजा में शॉपिंग कर सकते हैं आप अजंता केव्स। अब आप अगर घूमने आए तो आपको हर जो दुकान है शॉपिंग प्लाजा में अच्छे अच्छे हैंडबैग मिलेंगे। ये देखिए जो राजस्थानी कला है बहुत ही बेहतरीन, राधा कृष्ण वाली ये आपको नजर आ रहे सामने। ये एलिफेंट वर्क में अजंता की गुफाओं के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। वेलकम एलिफेंट है इसमें दो। अच्छा, और ये पूरा हैंडीक्राफ्ट है, ये पूरा टोटल हाथ से बनता है, ये चीज हाथ से बनता है। और ये सिल्क में आएगा, ये कपड़ा जो आएगा सिल्क में आएगा, सिल्क में ये कपड़ा सिल्क में आएगा। इसको वॉश भी कर सकते हैं, वॉशेबल है। और ये रहेगा दूसरा वाला डिफरेंट, इसको बोलते हैं गालीचा बैग। अच्छा, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। ये टोटल ये कैनवस आएगा इसके नीचे, बाकी पेपर वर्क भी आता है, जैसे कि इसमें पेपर वर्क होता है, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, पेपर वर्क होता है इसमें सादा, डिफरेंट डिफरेंट रेंज का होता है, ये भी अलग चीज़ है। अच्छा, तो क्या प्राइस है इसकी? ये 150 का है। अच्छा, हर एक प्राइस अलग अलग होंगे? अलग अलग है, 150 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला 120 है। अच्छा, ये वाला 150 है, अलग अलग। अच्छा अच्छा, वो वाला राधे कृष्णा का क्या है प्राइस? ये वाला 150 का है। 150 में। अच्छा, 150 में सेल है। ये लेंगे, ये 100 वाला है, ये 100 में, ये वाला 150 की रेंज में, ये 150 की रेंज में, अलग अलग रेंज होता है। तो अलग अलग रेंज में आपको जो यहाँ हैंड बैग जो आपको यहाँ मिल जाएंगे बिल्कुल। ये भी हैंडीक्राफ्ट है, ये जूट में बना हुआ है, जूट में है, जूट जो होता है ना जो अपना। अच्छा, ये जूट में बना हुआ है पूरा वर्क, ये टोटली हैंडीक्राफ्ट है। ये नीचे भी इधर। इसमें कितनी क्वालिटी है इसमें? इसमें आपको 4-5 वैरायटी मिलेंगी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क आएंगे, ये छोटा बड़ा, और भी आपको 4-5 वैरायटी मिलेगा इसमें।
क्या प्राइस है इसकी? सब अलग अलग रेंज का होता है, जैसे ये वाला 1200 का है। अच्छा, वो बड़े वाला? वो वाला है 2500 का है। अच्छा, 2500। जैसे कि वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी दुकानों का वीडियो बना के अपलोड करे हुए अजंता न्यूज़ पे। इससे पहले भी हमने अपलोड करे शॉपिंग प्लाजा की, सभी दुकानें खुल गई है और अजंता केव्स ओपन हो चुका है। आपको जो चीज़ चाहे यहाँ अजंता केव्स में मिल सकती है, ये देखिए आपको सामने नज़र आ रही है, चचा की दुकान है, हमारे फैसल भाई की दुकान है। और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम यहाँ पत्थर स्टोन मिली है, पत्थर के माले मिली है, सामने नज़र आ रहे हैं आपको जिस तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे माले स्टोन के माले है। नेकलेस है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको शॉपिंग प्लाजा में ख़रीदने के लिए मिल जाएंगी जो हैंडीक्राफ्ट है। जिस किसी को गिफ्ट देने के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ ख़रीदने के लिए अजंता केव्स, अगर आप घूमने आए तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और संडे और शनिचर जो बंद है, क्या बोलना चाहेंगे भाई? भाई शर्म रहे बोलने के लिए। जो आर्टिकल है बॉल्स, तो इसमें के आपको अलग अलग डिजाइन के सभी आइटम यहाँ मिल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? एरोमा। अच्छा, एरोमा, इसको एरोमा बोलते हैं। आप इसमें दिया भी लगा सकते हैं। आप अगर गुफाएं घूमने जाते हैं तो इस तरफ से आपको जाना है, वहाँ जो बस है गवर्नमेंट बस है दिखता है, जैसे लकड़ी का ब्रिज है। ठीक है, अजंता न्यूज़ पे हर चीज़ की आपको अजंता के बारे में, अजंता केव्स के बारे में जो टाइम टाइम हम मालूम देते रहेंगे, अजंता केव्स कब ओपन है हो रहा है, कब बंद हो रहा है, तो इसी के बारे में आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। जब अगर आए तो यहाँ बस आपको दूसरी बस चेंज करके, तो ये बस जाने वाली अंदर, तो एक बात खास बात ध्यान में रखना चाहिए, आप अगर घूमने के लिए आ रहे हैं अजंता केव्स, आप अगर घूमने के लिए आ रहे हैं तो 3 बजे जो बस का जाना बंद हो जाता है अंदर, सिर्फ जो अंदर जो लोग जाए हुए रहते उनको, सवेरे जो लोग जाए हुए रहते उनको लेके आते। ये टाइमिंग भी देख लिया आप, जो आपको अगर घूमना है तो ये देखिए सामने सब 8:45 की पहली बस है, और जैसे जैसी पब्लिक आते रही घूमने के लिए उस तरीके से चालू होते आएंगे। अभी लॉकडाउन के कारण, जो कोरोना के कारण, जो 3 बजे तक आपको 3 बजे तक एंट्री जाने के लिए आपको घूमने आने का है तो बहुत जल्दी आना पड़ेगा आपको। तो ये बस अंदर जाती है और यहाँ से हमारा वीडियो का एंड हो जा रहा, इसके आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे इसी तरीके से अच्छा। हमको अजंता न्यूज़ पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको हम मालूम देते रहेंगे, जो अजंता के घाट के बारे में भी मालूम देंगे। और ये सभी हमारे आबिद भाई हमारे साथ आए हुए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हमारे जो यहाँ के बच्चे हमारे अजंता के, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।